मध्य प्रदेश कांग्रेस में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अंतर कलह जारी। दोस्तों स्वागत है आपका एमपी न्यूज लाइव में और मैं हूं आपका दोस्त कुलदीप पांडे। दोस्तों आज के वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं मध्य प्रदेश के कांग्रेस के मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर, जो है फिर से मध्य प्रदेश कांग्रेस में अटकलें जारी हो गई हैं। कौन कौन से क्या है पूरी जानकारी जानने के लिए वीडियो को अंत तक अवश्य देखें। और यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, इस तरह का अपडेट न्यूज मध्य प्रदेश में सबसे पहले प्राप्त करने के लिए हमारे एमपी न्यूज लाइव को सब्सक्राइब कर लें और साथ ही बेल आइकन दबा दें, जिससे इस तरह का अपडेट न्यूज आप तक तुरंत पहुंच पाए और आप उनसे लाभान्वित हो सकें। आइए बढ़ते हैं अपडेट की ओर, जान लेते हैं पूरे अपडेट को विस्तार से। दर्शकों यदि वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और अधिक से अधिक लोगों तक शेयर करें ताकि सभी जानकारी से लाभान्वित हो सकें। दर्शकों आपको बता दें, आज राजधानी भोपाल में मुख्यमंत्री कमलनाथ द्वारा बुलाई गई बैठक में प्रदेश प्रभारी दीपक बावरिया कैबिनेट मंत्रियों पर भड़क गए। बीते दिनों नेताओं के बीच हुई बयानबाजी पर उन्होंने जमकर नाराजगी जाहिर की। उन्होंने मंच से ही सभी मंत्रियों को चेतावनी देते हुए कहा कि अनुशासन का पालन ना करने वालों को बख्शा नहीं जाएगा। सोच लें, पार्टी की अनुशासन लाइन से बाहर ना जाएं, कुछ भी बयान ना दें। बावरिया के बयान के बाद कई मंत्री असहज दिखाई दिए और इधर उधर ताकने लगे। हालांकि उन्होंने किसी एक मंत्री को टारगेट नहीं किया, सभी से यह बात कही कि इस दौरान मुख्यमंत्री कमलनाथ समेत कई दिग्गज नेता बैठक में शामिल थे। इस दौरान उन्होंने बिना नाम लिए कहा कि दो बार के विधायक हैं, जरा सोच समझकर बयान दें। वहीं उन्होंने कहा कुछ मंत्री बीजेपी कार्यकर्ताओं की नियुक्ति कर रहे हैं। मैंने इस एक मंत्री को चेतावनी दी है, अगर मंत्री ने मुझे नहीं बताया कि किस आधार पर उसे पद दिया गया है तो मैं उसे सीधे सोनिया गांधी के सामने खड़ा कर दूंगा। मंत्री ने जब बदलाव होगा ऐसा को बदलाव बदल दिया जाएगा। बावरिया ने मंत्रियों को विधायकों के फोन उठाने की हिदायत दी। इस दौरान बावरिया ने कहा कि अगर एक फोन से नहीं सुनाई देता तो मुख्यमंत्री कमलनाथ 3-4 फोन लगा दें। वहीं बावरिया ने कमलनाथ कैबिनेट के मंत्रियों की राजनीतिक समझ पर भी सवाल उठाए और कहा बीजेपी पदाधिकारियों को समय और पद दिया जाता है लेकिन कांग्रेस में नहीं। वहीं कांग्रेस की बैठक में अव्यवस्थाओं का माहौल देखने को मिला है। यहां मंत्रियों के आरक्षित सीट पर कार्यकर्ताओं ने डेरा जमा लिया है। बताया जा रहा है कि मंत्रियों की कुर्सी पर कार्यकर्ता बैठ गए हैं और उनके लाख कहने पर भी कुर्सी नहीं छोड़ रहे हैं। आखिरकार मजबूत होकर बड़े नेताओं को नीचे बैठना पड़ा है। इसी बीच मंच से बोल रहे दीपक बावरिया और नीचे बैठे विधायक आरिफ मसूद के बीच बहस भी छिड़ गई।